तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ, जो स्मार्टफोन फ्लैगशिप के साथ साथ आपको एक प्रीमियम लुक भी देखने को मिल जाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा कूल लगती है स्मार्टफोन। सो गाइज, जो स्मार्टफोन है गाइज, वो ऑलरेडी लॉन्च हो गए हैं और Xiaomi की तरफ से, और जैसे कि आपको बताया, प्रीमियम लुक देती है और एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। सो गाइज, जैसे फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे जो स्मार्टफोन है वो 50,000 के ऊपर है। जी हाँ, अगर उसका अगर स्टार्टिंग अगर प्राइस के बारे में बात किया जाए तो गाइज, उसका स्टार्टिंग प्राइस आपको 62,999 रुपीज़, यानी अराउंड 63,000 के अराउंड उसका प्राइस स्टार्ट होता है। जी हाँ, लेकिन जो इसका जो प्राइस के हिसाब के जो स्पेसिफिकेशन है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी स्पेसिफिकेशन है। चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और कैसी ऐसी तगड़ी स्पेसिफिकेशन डाला है वो भी देखते हैं। तो गाइज चलिए जान लेते हैं, लेकिन सब कुछ बताने से पहले और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और जो स्मार्टफोन का नाम है गाइज, वो है Xiaomi 12 Pro। जी हाँ, जो हाल ही रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है Xiaomi का। और ये जो स्मार्टफोन है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर रिव्यू के बारे में देखा जाए तो रिव्यू भी बहुत ही अच्छा है, रेटिंग 5-स्टार रेटिंग का स्मार्टफोन है। आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे जो कितना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का स्मार्टफोन रिलीज़ किया है Xiaomi की तरफ से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के जानते हैं। तो गाइस, इसमें आपको 6.7 इंच का QHD प्लस में एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाएंगे, विथ 120 हर्ज का अल्ट्रा स्मूथ रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलती है। एंड अगर उसका अगर परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात किया जाए, इसमें आपको सबसे फास्टर प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, सबसे फास्टर प्रोसेसर है आज की डेट में क्वालकॉम की तरफ से। जी हाँ, जो सबसे फास्टर जो प्रोसेसर है वो है गाइस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, जो 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेस पर बना हुआ है। वो एंड्रॉयड, वो आपका आईफोन का जो चिपसेट आती है उसको छोड़ के सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है यही है। तो गाइस चलिए जान लेते हैं इसका रैम एंड स्टोरेज के मामले में। तो यहाँ पर आपको मिनिमम आपको कवर्ड जो रैम एंड स्टोरेज आती है वो आपको मिनिमम 8 GB रैम एंड 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। और एक वेरिएंट होती है जो स्टोरेज के मामले में जो 256 GB इंटरनल स्टोरेज आती है। और साथ ही साथ जैसे कि आपको बताया, जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो इसमें आपको जो कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा तगड़ी कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएंगे। ऑन द बैक जो कैमरा है उसमें सबसे ज़्यादा तगड़ी आपको सेटअप देखने को मिलती है, जो ट्रिपल सेटअप में कैमरा आती है, बट उसमें 50 MP प्लस 50 MP यानी ट्रिपल 50 MP में कैमरा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कैमरा क्वालिटी होगा। जी हाँ, और सेल्फी स्नैपर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल जाएंगे, जो 32 MP में आती है सेल्फी स्नैपर, बहुत ही कूल लगती है, और जिसमें भी आप 4K वीडियो तक रिकॉर्ड कर पाओगे सेल्फी कैमरा में भी। और जो बैक कैमरा है उसका भी फीचर्स भी बहुत ही ब्रिलियंट है फीचर्स, क्योंकि उसमें भी आप 4K वीडियो आप रिकॉर्ड करवाओगे, वो भी 60 FPS पे आप वीडियो निकाल पाओगे, यानी आप सोच सकते हो वीडियो का क्वालिटी कैसा होगा। तो चलिए जान लेते हैं इसका जो लास्ट में आती है गाइज बैटरी। तो गाइज, इसमें जो बैटरी आपको देखने को मिल जाती है वो आपका 4600 mAh में बैटरी देखने को मिलती है। साथ ही साथ उसमें जो चार्जर जो देखने को मिलती है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में जैसे कि आपको डिस्प्ले देखने को मिल गया तगड़ी, प्रोसेसर देखने को मिल गया, सबसे ज़्यादा कैमरा सेटअप आपको तगड़ी मिल गया, और साथ ही साथ आपको चार्जर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें आपको 2 चार्जर आती है, इसमें 2 टाइप का चार्जर आती है, एक वायर के साथ आती है और दूसरा वायरलेस आती है। वायर के साथ जो आती है वो उसका आपको 120 वाट का वायर के साथ चार्जर आती है। एंड वायरलेस के बात किया जाए तो इसमें आपको 50 वाट का वायरलेस चार्जर देखने को मिलती है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह और जो बाकी सारे पोर्ट्स वगैरह रहती है वो गाइज सिमिलर है, एंड इसमें आपको 5G सपोर्टेड है। सो गाइज, कुल मिला के ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बेस्ट स्मार्टफोन आती है फ्लैगशिप के लेवल में। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस स्मार्टफोन को अगर आप परचेज करना चाहते हो तो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगे। सो इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।